नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से आने वाली कंपनी इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि इसका कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर से आने वाली जितनी भी मेजर बैंक है, चाहे HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा हो, उनके कंपैरिजन में इसका PE रेशियो काफी कम है। इसलिए 1 साल में जरूर इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 8 से 9% के आसपास अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो इसने काफी खराब परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव साइड में 32% का रिटर्न दिया है, जबकि अपने लाइफ टाइम हाई से इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस को हम कंपेयर करके देखें तो ये 45% के आसपास नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में इसने अपना लाइफ टाइम हाई करीब 2030 या 32 रुपए के आसपास बनाया था। क्या इंडसइंड बैंक लिमिटेड का शेयर एक बार फिर से आने वाले 1 से 2 सालों में अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है? फंडामेंटली फिलहाल ये कैसा नजर आ रहा है? करंट टाइम में इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का क्या स्टेटस है? ओवरऑल इसके कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और ओवरऑल इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंडसइंड बैंक फिलहाल लार्ज कैप से बिलोंग करता है और मार्केट कैप इसका 87,374 करोड़ का है, जबकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 1,127 रुपया है, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर चल रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक PE 14.8 है। ROC का परसेंटेज इसका HDFC और ICICI के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 6% के आसपास है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को हम फिलहाल ठीक ठाक मान सकते हैं और अपने मार्केट लीडर के लाइन में ही यह जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 10.1% है। इंडसइंड बैंक ने जो अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, अगर हम उसका कंपेरिजन इसके पीयर से करके देखें, जिसमें मेजर HDFC बैंक, ICICI बैंक है, इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक का सेल्स ग्रोथ करीब 22-23% था, जबकि इंडसइंड बैंक का सेल्स ग्रोथ करीब 14% के आसपास था। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में HDFC, ICICI या कोटक को ये बीट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी टॉप क्लास के 3 बैंक्स हैं, इनका प्रॉफिट ग्रोथ 20% से लेकर 31-32% के रेंज में था, जबकि इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ 60.46% होता है। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम इंडसइंड बैंक के परफॉर्मेंस को देखें तो सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 का जो डेटा दिया हुआ है एवरेज नजर आएगा, क्योंकि इसका रेवेन्यू सितंबर 2019 के पीरियड में 7,150 करोड़ का था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 8,708 करोड़ का होता है। फाइनेंशियल प्रॉफिट का ग्रोथ रेट हालांकि यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि ये 136 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़ तक पहुंचता है, जिसका इम्पैक्ट इसके फाइनेंशियल मार्जिन के परसेंटेज पर भी होता हुआ दिख रहा है, और ये 2% से बढ़ के 4% तक हो चुका है। एनपीए जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग सेक्टर और NBFC के लिए, इसलिए इंडसइंड बैंक के एनपीए पर नजर डालें तो इसका ग्रॉस एनपीए भी पिछले 5-6 क्वार्टर में इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज जो जून 2021 में सबसे ज्यादा 2.88% था, यहाँ से लगातार इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और फाइनली सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये कम होके 2.11% तक हो जाता है। नेट एनपीए का परसेंटेज भी आपको इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और जून 2021 में जो 0.84% था, ये भी लगातार इंप्रूव करते हुए फाइनली 0.61% तक पहुंचा है। इस बैंक का चाहे फाइनेंशियल हेल्थ हो, एनपीए का परसेंटेज हो, जिस तरह से इंप्रूव हो रहा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट पर भी देखने को मिलेगा, और नेट एनपीए भी पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार इंप्रूव होते हुए 23.05 रुपये तक पहुंचता है, जबकि नेट प्रॉफिट भी ग्रो करते हुए 1,787 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें और उसके ग्रोथ रेट को परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 19% रहता है, पिछले 5 साल में 16%, 3 साल में 11%, जबकि पिछले 1 साल में 9% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 19%, 5 साल में 10%, 3 साल में 12% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 55% होता है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 10 साल और 1 साल के हिसाब से तो अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 9% से लेके 12% के रेंज में रहता है, जबकि पिछले 3 साल से लेके 5 साल में इसने एक ठीक ठाक लॉस दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इस पीरियड में इसने 7 से 8% का लॉस CAGR दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी को हम पिछले 10 साल में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ये 13% रहता है, जो पिछले 1 साल में कम होकर 10% तक हो जाता है।
लेकिन अच्छी चीज यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, जिस तरह से 10 साल से लेके 3 साल के पीरियड में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कमजोर हुआ है, ये उसके नीचे न जाते हुए वहां पर सस्टेन किया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस बैंक का ठीक ठाक नजर आ रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस पीरियड में 16.5% के आसपास बना हुआ है। FIs की होल्डिंग यहाँ पर जरूर कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 51.5% से कम हो गया, करीब 47% तक हो चुका है। DIs की होल्डिंग इस पीरियड में करीब 3.25% के आसपास ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 19% से बढ़ के 22.24% तक होता है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको कंस्टेंट नजर आएगा, और मामूली बढ़त के साथ ये 13% से बढ़ के 13.93% तक होता है। दोस्तों ये तो रहा इंडसइंड बैंक लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस, जिसमें हमने देखा रेवेन्यू से लेकर शेयर प्राइस ग्रोथ कैसा रहता है। क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है? टेक्निकल डेटा और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इस पर नजर डालें, उसके पहले इसके फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ और डेटा देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडसइंड बैंक लिमिटेड एक बैंक है जिसका बिजनेस मार्केट से FD और अदर माध्यम से पैसा उठाना है, और फिर उसी पैसे को ये मार्केट में लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे इनके FD होल्डर्स हो या दूसरे डेटर्स हो, उनको देते हैं, और जो बीच के मार्जिन का परसेंटेज होता है वही इनका प्रॉफिट होता है, और ऑपरेशन का कॉस्ट उसी से निकाला जाता है। लेकिन चूंकि बैंकिंग सेक्टर में भी हर बैंक का बिजनेस अलग अलग सेगमेंट में होता है, इसलिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बिजनेस सेगमेंट पे के बारे में हम बात करें तो ये मेनली व्हीकल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग और डायमंड मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस करती है, क्योंकि लोन बुक में ऑलमोस्ट 43% का कंट्रीब्यूशन इसी डोमेन से आता है। अगर हम इसके रेशियो के बारे में बात करें जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 18.14% था, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.21%, जो काफी स्ट्रांग है इस सेक्टर के हिसाब से। ग्रॉस NPA और नेट NPA जैसा कि हमने देखा 2.35% और 0.67% था, जबकि कासा रेशियो को भी हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये भी 43% के आसपास है। इस बैंक का ब्रांच नेटवर्क भी फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ है 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग, अर्बन में 25%, रूरल में 23%, मेट्रो में 32% और सेमी अर्बन में करीब 20% के आसपास है। प्रेजेंट टाइम में इस बैंक के पास 32 मिलियन का कस्टमर बेस है, क्योंकि करंट टाइम में करीब 1,33,000 के आसपास विलेजेज ये बैंक कवर करता है। इसके लोन बुक पर नजर डाले तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है, क्योंकि 54% लोन बुक इसका कंज्यूमर बैंकिंग डिवीजन से आता है, जबकि 46% लोन बुक इसका कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन से आता है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका लोन बुक इसलिए रिस्की नजर आ रहा है, क्योंकि 46% यानी ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये बैंक अपने कॉर्पोरेट को लोन देता है, जहां पर बड़े बड़े कैपिटल लगते हैं। और कई बार हम देखते हैं जब भी कोई कंपनी डूब जाती है, उसके जो भी डेटर होते हैं वो पैसा उसको नहीं रिटर्न करते हैं, और जो भी लोन वो कंपनी अलग अलग बैंकों से उठाई रहती है वो ऑलमोस्ट डूब जाता है, जो बाद में जाके ग्रॉस NPA या नेट NPA में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट बैंक के फाइनेंशियल मार्जिन और प्रॉफिट पर देखने को मिलता है। जबकि अगर कोई बैंक कंज्यूमर बैंकिंग डिवीजन में ज्यादा एक्सपोजर रखता है, अगर वहां पर दो चार केसेज ऐसे होते हैं जहां पर ऑलमोस्ट 100% उनका कैपिटल डूब जाता है, फिर उसका बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है वह नहीं दिखता है, क्योंकि जो लोन का साइज होता है वो काफी छोटा होता है। इसके लोन बुक का जो फिलहाल ब्रेकअप है उसके अकॉर्डिंग व्हीकल फाइनेंस में करीब 26% है, नॉन व्हीकल रिटेल में 16%, माइक्रो फाइनेंस में 12%, मिड साइज कॉर्पोरेट में 17%, लार्ज कॉर्पोरेट में 25%, जबकि स्मॉल कॉर्पोरेट में 4% है। दोस्तों इंडसइंड बैंक लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो डिविडेंड रिटर्न एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो रेड जोन में है, बाकी इंटरेस्टिंग वैल्यू, ROE वर्सेस FD रेट, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर, 7 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है और पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। इस कंपनी को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 44 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 84% एनलिस्ट का मानना है चाहे इस बैंक का परफॉर्मेंस हो, शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस हो, आने वाले टाइम में अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है नवंबर 2023 तक के लिए, ये काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियम साइड में आपको करीब 20% के आसपास पॉजिटिव साइड में रिटर्न मिल सकता है, और फिलहाल ये शेयर जो 1127-28 रुपया पर चल रहा है 1355-56 रुपया तक पहुंच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी फिलहाल इसका ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो एनलिस्ट द्वारा ओपिनियन बताया गया है मीडियम साइड में 10% के आसपास ग्रोथ आ सकता है।
अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है एनलिस्ट द्वारा मार्च 2023 तक के लिए, ये सबसे अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियम साइड में करीब 48% के आसपास ग्रोथ हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, इस शेयर का वैल्यूएशन अपने पीएस के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का पी रेशियो 31.45, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का 25.28, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का 22.34, जबकि इंडसइंड बैंक लिमिटेड का पी रेशियो सबसे कम 18.19 है। दोस्तों अगर हम यहां से इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो नो डाउट बैंकिंग सेक्टर हो या एनबीएफसी सेक्टर हो, किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। और अगर किसी कंट्री के इकोनॉमी को हाई रेट से ग्रो करना है, फिर चाहे उसके एनबीएफसी सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, वहां पर ग्रोथ आना जरूरी है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर कम से कम आने वाले 4-5 सालों तक तो काफी अच्छा रहने वाला है। और इंडसइंड बैंक लिमिटेड का जो बिजनेस सेगमेंट है, स्पेशली जो कॉरपोरेट लोन ये बैंक ऑफर करता है, वहां पर कम से कम रेवेन्यू के मामले में तो ग्रोथ रेट काफी अच्छा बना रहेगा। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाय किया जा सकता है ओवरऑल इसके फ्यूचर आउटलुक के बेसिस पर? दोस्तों सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल डेटा के बारे में बात करूं तो फिलहाल ये काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 1127-28 रुपए चल रहा है, ये अपने 5 DMA से लेकर 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसका काफी कमजोर नजर आ रहा है, जबकि इस शेयर का वॉल्यूम भी कोई बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे मेजर पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो जैसा कि हमने देखा, ये बैंक कॉरपोरेट लोन ज्यादा ऑफर करता है, जहां पर भले ही बिजनेस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा है, लेकिन रिस्क भी वहां पर काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए अगर मुझे किसी बैंकिंग सेक्टर के शेयर को बाय करना होगा, इंडसइंड बैंक लिमिटेड जैसे शेयर को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर कोई भी एक लोन बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसका ग्रॉस एनपीओ हो या नेट एनपीओ हो, एक बार फिर से काफी हाई हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में उसका एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट एक बार फिर से इसके प्रॉफिट मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। हाँ जरूर, जब भी इस शेयर का टेक्निकल डेटा स्ट्रेंथ शो करेगा, फिर वैसे सिचुएशन में मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकता हूँ। अगर बैंकिंग सेक्टर से ही मुझे किसी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए ऐड करना होगा, फिर मैं HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा या एक्सिस बैंक जैसे शेयर को कंसीडर करूंगा, क्योंकि न सिर्फ इन बैंक्स का लोन बुक इसके कंपैरिजन में काफी स्टेबल और अच्छा है, बल्कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में भी इंडसइंड बैंक के कंपैरिजन में वो काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इस वीडियो का लिंक अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इंडसइंड बैंक लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।